बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, आप लोगों का ख्याल रखें। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज यहाँ पर ईद है, तो कल रात को मेरा रूम पार्टनर बोल रहा था कि पाकिस्तान में भी आज ही ईद है, तो अभी हम उठेंगे, नहाएंगे, कपड़े कुपड़े प्रेस करेंगे, तो उसके बाद ईद के लिए चलेंगे। रात को हमने अपना सारा सामान रेडी कर लिया था, गोश्त के वगैरह बना ली थी। अभी कोई काम नहीं है, बस एक काम बचा है, कपड़े प्रेस करने हैं और ईद की नमाज़ के लिए जाना है। तो फिर मिलते हैं। तो जी मैं रेडी हो गया हूँ, कपड़े कुपड़े प्रेस कर कर पहन लिए थे। अभी हम ईद की नमाज़ के लिए जा रहे हैं, हम रेडी हैं ईद की नमाज़ के लिए, अभी जाएंगे। तो टाइम बहुत कम रह गया, तकरीबन 20 मिनट रह गए हैं ईद की नमाज़ के लिए। 5:15 पे होनी है, अभी 4:47 हो रहे हैं, बहुत कम टाइम रह गया। तो जल्दी से चलते हैं नमाज की तरफ। तो जी हाँ जी, हम तकरीबन मस्जिद के पास पहुंच गए हैं। ये सब भाई ये जो हैं वो मस्जिद की तरफ जा रहे हैं नमाज के लिए। तो जी ये सामने रही मस्जिद, यहाँ पर हम नमाज पढ़ेंगे ईद की। तो मस्जिद के चारों तरफ बंदे बैठे हुए हैं। के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। तो जी ईद की नमाज पढ़ ली है, अभी खलकत जो है वो अपने अपने कमरे की तरफ जा रही है। कुछ लोग बैठे हुए हैं तो कुछ लोग जा रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज़ पढ़ ली है। तो आप सब भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। जो कमरे वाले हैं उनसे जाकर ईद मिल लेंगे। तो मिलते हैं कमरे में जाकर। हम आए अपने दोस्त के पास। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक हो। लाल नहीं आज खेर खान लगे खाँगे। तो जी कमरे वालों से ईद मिल ली है, एक नीचे दोस्त था उसको भी ईद मिल ली है। तो एक बंदा जो हमारा है वो साइड पे है,
तो एक जो है वो नमाज के लिए गया है। तो अगर आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया है तो इसको शेयर करें, लाइक करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह को खुश रखे, आबाद रखे, आप लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।